तो दोस्तों अभी हाल फिलहाल में ना जो हीरो का ही अपकमिंग उनका जो नेक्स्ट जनरेशन वाला डेस्टिनी 125 वाला जो स्कूटर है ना, तो उसका ये कि नेक्स्ट जनरेशन या फिर न्यू जनरेशन जो है ना, तो उसको देखने को मिला है। मतलब उसका जो लुक्स है ना, तो वो कुछ देखने को मिला है। और जैसे कि देख ही सकते होंगे आपके सामने भी है। और वैसे आपको मैं दिखाऊँ कि अगर पुराने वाले लुक से न्यू वाले लुक की तरफ देखे तो भाई बहुत ही ज्यादा जो लुकिंग वाइज डिफरेंसेस जो है ना, तो वो देखने को मिल रहा है। बाकी वीडियो को पूरा देखते रहना। तो मैं हूं अंकन कर्मकार, आप देख रहे हो कर्मकार अंकन ब्लॉग्स। तो वीडियो को पूरा देखते रहना, शुरू करते हैं आज के वीडियो। तो दोस्तों अभी हाल फिलहाल में हीरो डेस्टिनी 125 का ही एक न्यू जनरेशन वाला मॉडल या फिर नेक्स्ट जनरेशन जो मॉडल है ना, तो उसको भाई देखने को मिला है। हालांकि ये जो मॉडल है ना, तो ये फिजिकली तौर पे तो देखने को नहीं मिला है, लेकिन जो भी देखने को मिला है ना, तो वो आपके सामने है, जैसे कि देख ही सकते होंगे। और इस वाले मॉडल का जो लुक्स है ना, तो ये पूरे तरीके से डिफरेंट हो चुके हैं भाई अभी के डेट में जो डेस्टिनी 125 जो मिलता है तो उससे। और साइड बाई साइड अगर रखता हूँ ना पुराने डेस्टिनी और न्यू वाले डेस्टिनी को, जैसे कि देख ही सकते होंगे ये दोनों के ही अंदर जो डिजाइनिंग में चेंजेस है ना, तो वो बहुत ही ज्यादा जो है, तो वो कुछ देखने को मिलेगा। और इसके अलावा अगर बात किया जाए, देखो दोस्तों ये जो न्यू डेस्टिनी का ये जो सामने का लुक है ना, तो ये पहले बात तो भाई क्लासिक टाइप का जो है ना, तो वही कुछ देखने में लग रहा है। मतलब कि सिर्फ और सिर्फ क्लासिक नहीं है, मतलब क्लासिक के ही साथ में जो फ्यूचरिस्टिक वाला जो लुक है ना, तो इन दोनों को अगर मिला दिया जाए तो मुझे लग रहा है कि कुछ इस तरीके का ही जो लुक है ना, तो वो कुछ सामने आएगा। जिसके अंदर पहले बात तो भाई देख ही सकते होंगे ये जो बॉडी पार्ट की, मतलब कि ये जो स्कूटर ही सामने का जो एक फाइबर वाला पार्ट है, तो इसके अंदर आपको जो देखने को मिला जो कटआउट था, वो भाई देखने में तो काफी ज्यादा ही एक मॉडर्न टाइप का कुछ लग रहा है देखने में। बाकी देख सकते होंगे ये जो स्कूटर का सामने का जो टर्न इंडिकेटर है ना, तो वो भी भाई काफी ज्यादा बेहतरीन सा स्टाइल के साथ में जो है ना, तो वो कुछ देखने को मिल रहा है। हालांकि इस वाले स्कूटर के अंदर आपको देखने को मिलेगा ये जो कलर ऑप्शन ना, तो ये भी अपने आप में ही बहुत ज्यादा यूनिक तो देखने में लग ही रहा है। क्योंकि जैसे कि देख सकते होंगे पूरे तरीके से ब्लैक कलर जो है ना, तो वो इस वाले स्कूटर के अंदर देखने को मिल रहा है, जो कि ग्लॉसी टाइप का है। बाकी इसी ब्लैक कलर के ही अंदर ये जो गोल्डन टच जो देखने को मिल रहा है ना भाई, तो ये सच में ही काफी ज़्यादा कमाल का तो लग ही रहा है। और अगर बात किया जाएगी भाई पुराने वाले डेस्टिनी का जो हेडलाइट वाला पार्ट है ना, तो उससे अगर न्यू डेस्टिनी का हेडलाइट वाला पार्ट देखा जाए, तो भाई काफी ज्यादा ही जो डिजाइनिंग में चेंजेस जो है ना, तो वो कुछ देखने को मिल रहा है। मतलब कि पूरे ही तरीके से अलग जो है ना, तो वही कुछ लग रहा है। और जो न्यू वाला जो डेस्टिनी 125 का ही जो हेडलाइट वाला पार्ट है ना, तो ये एक अलग सा लुक के साथ में जो है ना, तो वो कुछ देखने को मिल रहा है, जिसमें आपको देखने को मिलेगा एक जो एच शेप का ही जो कि डीआरएल है ना, तो वो। बाकी है डेस्टिनी 125 के ही जो न्यू जनरेशन वाला मॉडल है ना, तो उसके भी अंदर आपको जो मेन लाइट्स है, तो वो आपको एलईडी के अंदर अंदर देखने को मिलेगा। और हाँ, इसके अलावा ये भी कुछ बात है कि डेस्टिनी 125 में आपको जो देखने को मिल रहा है ना ब्रेकिंग सिस्टम, मतलब न्यू वाले मॉडल में भी, तो वो भी भाई डिस्क ब्रेक के साथ में जो आईबीएस या फिर कॉम्बाइंड ब्रेकिंग सिस्टम जो है ना, तो वही कुछ देखने को मिलेगा। बाकी देख ही सकते होंगे न्यू डेस्टिनी के अंदर भी आपको देखने को मिल रहा है सामने टेलीस्कोपिक सस्पेंशन और पीछे वन साइडेड वाला जो कॉइल वाला हाइड्रोलिक शॉक जो है, तो वो। बाकी इसके अलावा एक और भी चीज जो कि न्यू डेस्टिनी के अंदर आपको जो पिलियन बैकरेस्ट जो देखने को मिल रहा है ना, तो वो बैकरेस्ट जो है, तो वो पुराने वाले डेस्टिनी के, मतलब कि आज के डेट का जो डेस्टिनी है ना, तो उसके मुकाबले डिजाइनिंग में चेंज जो है ना, तो वो भी कुछ देखने को मिला है वो बैकरेस्ट में भी। तो जो भी है, लेकिन बात कुछ ऐसी है कि ये जो न्यू डेस्टिनी है ना, तो इसके अंदर आपको क्या कुछ न्यू फीचर्स देखने को मिलेगा, ये देखो भाई ये बात कुछ ऐसे कि ऑफिशियल तरीके से भाई कॉन्फर्मेशन के साथ में तो नहीं है, लेकिन देखो दोस्तों बात ऐसे कि जो न्यू वाला डेस्टिनी आएगा ना, तो उसके अंदर ऐसा और कुछ न्यू फीचर्स जो है ना, तो वो एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि न्यू ऐड नहीं किए जाने वाले हैं। क्योंकि आज के डेट का जो डेस्टिनी 125 है ना, तो उसके अंदर आपको देखने को मिलने वाला है ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी, साथ में फोन कॉल अलर्ट, एसएमएस अलर्ट, और इसके ही साथ साथ भाई जो ऑटोमेटेड ट्रिप मीटर वगैरह जो भी कुछ है, तो ये सारा कुछ चीज भी। लेकिन मुझे जो लग रहा है कि चेंजेस जो होगा भाई डेस्टिनी के अंदर, तो वो है भाई मीटर कंसोल में। और बात ऐसे है कि देखो डेस्टिनी 125 के ही जो न्यू जनरेशन वाला मॉडल है ना, तो उसके अंदर आपको देखने को मिलेगा, मतलब एक्सपेक्ट जो किया जा रहा है, तो वो एक पूरे ही तरीके से डिजिटल वाला मीटर कंसोल। बात कुछ ऐसे कि देखो दोस्तों डेस्टिनी 125 के अंदर आपको जो न्यू इंजन देखने को मिलेगा ना, तो ये भी पहले के तरह का ही एक इंजन होने वाला है, ऐसा ये भी बोला जा रहा है। बाकी बात यही है कि जो न्यू इंजन भी देखने को मिलेगा ना, तो वो एक 125 सीसी वाला सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड वाला ही इंजन देखने को मिलेगा।
और ये जो इंजन है ना, तो ये मैक्सिमम पावर जो प्रोड्यूस करने वाला है ना, न्यू वाला इंजन भी, तो वो भी भाई 8 से लेके 10 BHP के अंदर अंदर का जो है तो वो कुछ प्रोड्यूस करते हुए देखने को मिलेगा। और इसके ही साथ मैक्सिमम टॉर्क भी जो है तो वो भी 8 से लेके 10 NM के अंदर अंदर जो है तो वही कुछ देखने को मिलेगा प्रोड्यूस करते हुए, विद भाई ऑटो ट्रांसमिशन जो है तो वो। बाकी न्यू जो डेस्टिनी 125 वाला जो मॉडल आएगा ना, मतलब न्यू जनरेशन वाला, तो उसके अंदर आपको जो देखने को मिलेगा प्राइसेस ना, तो वो भी 80 से 1 लाख के ही अंदर अंदर के जो एक्सशोरूम प्राइसेस है तो उसके ही अंदर रहेगा। और लॉन्च के बारे में अगर जानना है तो भाई देखो, लॉन्च जो है ना तो वो अभी रेट में एक्सपेक्ट किया जा रही अगले भाई 1 महीने या फिर 2 महीने के ही अंदर अंदर ये जो डेस्टिनी का ही जो न्यू जनरेशन वाला मॉडल है तो वो लॉन्च होगा। और बहुत हद तक चांसेस ऐसे ही है कि अगले 1 महीने के ही अंदर अंदर जो है तो वो डेस्टिनी लॉन्च हो जाएगा इस इंडियन मार्केट में। तो ये वाला वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट में बोल दो भाई, और अगर ये वाला वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते हुए जाना। और सब्सक्राइब करने के लिए इसलिए बोलता हूँ क्योंकि सब्सक्राइब करने से आप लोग ऐसे ही तरीके का और भी कई सारे कुछ वीडियोस हर दिन देख सकते हो इस वाले चैनल पर। तो वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, अगली बार फिर से मुलाकात होगा दोबारा। थैंक यू गाइस।